इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कितना भी सामान इकट्ठा कर लो, कितना भी बड़ा मकान बना लो, मेन गेट से लेकर और अपने कमरे तक नाम लिख लो, कतरे कतरे पर नाम लिखने के बाद भी तीसरी पीढ़ी हमको याद नहीं करेगी। बिड़ला जी सभी तीर्थों पर लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर बना गए। सभी मंदिरों को आज लोग कहते हैं बिड़ला जी का मंदिर है। क्या कहते हैं? जग कहेगा कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, कुछ कर जाए। इतना नहीं कर सके, थोड़ा कर ले भाई, कुछ तो करे। राम जगत के लिए बहुत हो गया, कुछ राम जी का स्मरण करके राम के लिए कर। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, इनसे छोटे भरत, सबसे छोटे शत्रुघ्न, इनसे बड़े लक्ष्मण। गुरुदेव ने नाम रखकर कहा वेद नृप अव सुत छा। राजन, आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं और शिव जी के तो प्राण तत्व हैं। ये चारों भाई दो दो की जोड़ी में रहेंगे, श्याम श्वेत, श्याम श्वेत। दोनों छोटे दोनों बड़े भैया की सेवा करेंगे। जानते हैं, स्वामी दिखना सरल है, सेवक बनना कठिन है। स्वामी दिखना सरल है, स्वामीपना तो कोई मानस में एक पंक्ति है, उसको कह नहीं सकते। वैसे बाबा रामदेव जी बेचारे कितने FIR झेल रहे हैं, मानस में भी लिखा है, कलयुग का वर्णन जब लिखा है तो यहां लिखा है, बोले कि फंसे यहां। अभी आप समझो, जाने ब्रह्मसु विप्रवर आंख दिखावहि डांट, लिखा हम आप कहीं रहें कहीं बहें, जीवन में कुछ काम राम जी के निमित्त भी कर जाएं हो, कुछ काम कर। एक सबसे विचित्र बात आ गई है चित्त में कि घर परिवार व्यवहार बेटा बहू बिटिया दामाद ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कितना बड़ा ज्ञान है। अरे भाई हमारी जिम्मेदारी है ना, रात को सोते सोते चले गए तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? यह व्यवहार हमको करना है। लेकिन आप सोचो तो कि भगवान ने मानव जन्म क्यों दिया है? केवल यह जिम्मेदारी है कि औरों कछु है? जिंदगी का, समय का, तन का, मन का, धन का, स्कंद पुराण का न्याय है, दशांश ही जगत का है और 90 अंश परमात्मा का।
ब्रह्मा जी इनसे जीव ने कहा कि हमारा काम नहीं चलेगा दशांश से। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा चलो 20 ले लो, इससे भी नहीं चलेगा। लेते लेते 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो भगवान ब्रह्मा ने कहा चलो दर्शमान से न धीमता, दर्शांश से ही भगवान में लगा देना। अभी जीव ऐसा कृतघ्न है कि न दशांश समय देना चाहता, न दशांश तन देना चाहता, अरे छोड़िए बिना कुछ लिए दिए न दशांश मन देना चाहता। चौबीस घंटा एक है मेरा माँ है, हमारा घर, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा भाई, हमारे पिताजी, हमारा फैक्ट्री, हमारी गाड़ी, हमारा 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 क्या हमारा, इस हक को मिटाइए तो केवल मारा। हमारे हमने हमको मारा साहब, कुछ कर जाइए। सब कहेंगे जिस गली से गुजरे जाएगा काम ऐसा जो करे जाएगा। कई लोग मंदिर के विरोधी हैं, मैं भी पहले विरोधी था, मंदिर का मैं बहुत बड़ा समर्थक हो गया हूँ। मंदिर जरूर बनवाओ, चाहे गली में बनवाओ, सड़क पर न बनवाई, अवरोध खड़ा न करिए। हम सड़क के मंदिरों के घोर विरोधी, सड़क आने जाने के लिए है, अपनी जमीन खरीद के बनवा लो, 10 लोग मिल के बनवा डालिए, मंदिर अवश्य बनवाइए, गौशालाएं अवश्य बनवाइए, अस्पताल अवश्य बनवाइए, ये कार्य है। अरे परमार्थ कर जाओ साहब, जो परमार्थ करता है उसको पीढ़ियां स्मरण करती हैं साहब, पीढ़ियां याद करती हैं, ये कार्य है। तो सरकार के लाला भाई लाला का चारों भाइयों का नामकरण हुआ, नामकरण का संदेशा पहुंचते नगर में बधाई देने वालों का तांता लग गया। चारों भैयन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माताएं कबहू मुछंग कबहू पर पलना, मां तो दुलारे देखिए। तप का प्रताप व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनो सो अज प्रेम भगति बसा। यह प्रेम, प्रेम भगवान जो सर्वव्यापी है उनको गोद में ले आए। गुरुदेव भगवान कहते हैं 6 बार माँ ने मांगा था, 6 भगवान ने दे दिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनो सो अज प्रेम भगति बस। जन्मा प्रेमा भक्ति कारण माँ की गोद में। इस जगत में केवल भगवान ही ऐसे हैं जिनको थोड़े से रिझाया जा सकता है। इंसान इंसान रूठ जाए तो उसको मनाने में सालों लग जाता है साहब, साला रूठ जाए तो बरसों लग जाते हैं, जीव रूठ जाए तो क्या कहना है, बहुत मुश्किल है, सालों लग जाता है। प्रभु रूठते ही नहीं साहब। आप कोई प्रसंग बताओ जहां भगवान रूठ गए हो। जीव कैसा भी व्यवहार करता भगवान रूठते नहीं।
भगवान का प्रसन्न होना तो लिखा है, रूठना नहीं लिखा है। आप बताइए, दुर्योधन से भगवान उस समय रुष्ट हुए हैं जब उसके मामा ने कहा पकड़ो मारो, भगवान ने उंगली उठाई खत्म, लेकिन भगवान वहां कुछ किए नहीं। क्यों? अतिथि बनकर गए थे, शांति दूत बनकर गए थे। दूत को अपना कार्य कैसे संपन्न हो उसके लिए प्रताप का, प्रभाव का, विवेक का, सबका आश्रय रखना पड़ता है। भगवान जी से अच्छा क्यों रूठेंगे आप ही बताइए, क्यों रूठेंगे? सोवज प्रेम भगति बस मकौशल्या के, भगवान माँ की गोद सिमट गया हो। नित्य माँ सरकार को स्नान कराती हैं, वस्त्र आभूषण से सजाती हैं, पालने पौढ़ाती हैं, आनंद प्राप्त। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।